एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी मैं आई हूँ अपने खेतों में कुछ डालियाँ लेने पशुओं के लिए, और कुछ ले जानी है मुझे लकड़ियाँ जलाने के लिए। दोस्तों, आज का दिन मेरी लाइफ का बहुत ही ख़ास दिन है। तो आज है मेरा जन्मदिन। तो आज मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, तो आप दोनों के लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगी अपने बर्थडे पर। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ये अनमोल जीवन दिया। फ्रेंड्स, आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो 5 मई को होता है मेरा बर्थडे और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने बर्थडे पर। कुछ और हो ना हो, लेकिन हमें खुश रहना चाहिए। बांध दिया है मैंने अपना भार, कुछ डालियाँ और कुछ लकड़ियाँ सूखी। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, जैसा हमें पसंद है, बड़े बड़े क्लाउड्स, आई लव इट। और ये हरा भरा मौसम है बिल्कुल, और काफ़ी हरियाली है खेतों में क्योंकि बारिश जो है टाइम टू टाइम हो रही है ना अभी। तो उत्कर्ष की तबीयत थी थोड़ी ख़राब, इसलिए मैं कहीं घूमने भी नहीं गई अपने बर्थडे पर। तो पूरा दिन बस घर पे ही बिज़ी रही, बहुत सारे काम निपटाए। ऑलमोस्ट तो आज का दिन ख़त्म हो ही चुका है, शाम का वक्त हो रहा है, तो शाम को देखते हैं, लेट्स सी कैसा रहता है और क्या आपका कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल जाए हस्बैंड से। मन में लड्डू फूट रहे हैं मेरे सोच सोच के, और ये छोटे छोटे कीट पता नहीं आँख में घुस जाते हैं। और अब मुझे ना अजीब सी फीलिंग आने लगी है, मतलब लगता है ना कि जब बर्थडे होता है तो एक सारा और घट जाता है, एक सारा और घट जाता है। ऐसा लगने लगा है कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, और लग रहा है कि लाइफ इज़ वेरी वेरी शॉर्ट और टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आधी लाइफ तो ऐसे ही ख़त्म होगी, और अभी बहुत कुछ करना है और टाइम बहुत कम है। तो देखते हैं क्या होता है आगे हमारी लाइफ में, हम क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। और धूप छाँव का कॉम्बिनेशन है मेरे फेस पर, तो धूप जा ही चुकी है, अब मुझे भी जाना चाहिए घर को, क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम करी थी तो वो निपटा लूँगी अभी घर में जाकर, अभी टाइम है काफ़ी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे इज़ माय बर्थडे, और केक देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा केक हार्ट शेप, ओ माय गॉड, दिस इज सो प्रीटी। और उत्कर्ष सो चुका है, बस मेरे पास दो ही पर्सन है जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चुकी है नींद, नहा धोकर सो गया है, इतना प्रीटी है कसम से यार। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट क्या है। अनएक्सपेक्टेड था पर चलो दिखाते हैं आपको। रहा मेरा बर्थडे का गिफ्ट इतना शानदार और चकाचक, तो ये है हेलमेट, क्योंकि मैं आजकल स्कूटी पर राइड कर रही हूँ, तो इसलिए हस्बैंड ने मेरी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज़ से जो है बर्थडे गिफ्ट दिया है।
और ये मेरी स्कूटी के कलर से भी मैच करता है, काफ़ी मज़बूत है मतलब, और जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा ही है। और देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है और ऐसा। और ये रहा समृद्धि का, तो समृद्धि के लिए भी आया हम दोनों के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मतलब ये वाला हेलमेट ना मेरे हेलमेट से भी हैवी है, इसका वेट बच्चों का ज़्यादा हैवी होता होगा शायद। इसको देखकर हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो मुझे अपना बर्थडे का गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अनवैल्यूबल है ये मेरे लिए, क्योंकि ये यूज़ेबल है और इसकी मुझे नीड भी थी। तो हस्बैंड बड़े समझदार है। चलो थैंक यू सो मच हस्बैंड फॉर योर गिफ्ट। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।